सेना अध्यक्ष बिपिन रावत पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की आपत्तिजनक टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़क तक उबाला गया है। अपने विवादित बयान से संदीप दीक्षित एक तरफ जहां सत्ताधारी मोदी सरकार के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख की तुलना सड़क के गुंडे से कर डाली है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी थल सेना की तरह हमारी माफिया थल सेना नहीं है जो सड़क के गुंडों की तरह बयानबाजी करती है। जब हमारे थल सेना प्रमुख सड़क के गुंडों की तरह बयान देते हैं तो बुरा लगता है। बीजेपी ने संदीप दीक्षित के इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस से दीक्षित के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं इस मसले पर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा है। लेकिन मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस ने इस मसले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस बीच चौतरफा आलोचना झेल रहे संदीप दीक्षित ने सामने आकर ट्विटर पर माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि थल सेना प्रमुख की एक टिप्पणी पर मेरा एतराज है, लेकिन मुझे उचित शब्द चुनने चाहिए थे, मैं माफी मांगता हूं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सेना प्रमुख बिपिन रावत पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। इससे पहले इतिहासकार और बंगाली राइटर पार्थ चटर्जी ने बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सेना देश की हिफाजत के लिए शहीद होने से नहीं चुकती है, भला उन पर इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक सही है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।